Do you want to pursue UG and PG degree in science from a prestigious institute in Bhopal? If yes, then log into www.bsssbhopaledu.in. The Bhopal School of Social Sciences is offering undergraduate and postgraduate courses in science where we have an experience of more than 50 years of success and legacy of transforming talented young minds into accomplished professionals. Also, we provide 100% placement opportunities in recognized organizations as well. So, what are you waiting for? Join us at the Bhopal School of Social Sciences where your journey to success begins. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. एस 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 खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है वंस अ विनर ऑलवेज अ विनर वंस अ बी एस अटवेज अ बी एस असाइट राइटली सेड विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली बी एस 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 रिदम पोडकास्ट में मैं डॉक्टर आमिर महबूब वेलकम्स यू आप सभी का स्वागत करता हूं इस्कबाल करता हूं एक बार फिर हम मौजूद हैं आपके साथ जैसा कि बी एस एस रिदम आपसे कहता रहता है यहां पर लोग कि हम कोशिश करते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश और इंडिया के ऐसे सितारे ऐसे आउटस्टैंडिंग अचीवर्स और ऐसे लीडर्स को लाएँ जिनसे हम बात करें उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस अपनी नॉलेज शेयर करें और आप सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे लिसनर्स को फायदा होता रहे आप ग्रो करते रहें तरक्की करते रहें इसी कड़ी में आई फील एक्सट्रीमली डिलाइटेड ऑनर्ड एंड प्रिवलेज टू हैव विथ अस मिस्टर सुमित पोंडा जी विथ अस ऑन दिस बी एस एस रिदम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म मिस्टर स्मित पोंडा जिन सब को हम सभी बहुत आ, अच्छे से जानते हैं इनका परिचय देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनकी तारीफ में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है आप एक एजुकेशनिस्ट हैं पिछले फॉर मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स ही इज सर्विंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री वेरी मेटिकुलसली सिंसियरली ऑनेस्टली एंड डेडिकेटेडली ही इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर एंड ऑफ कोर्स He preaches, he delivers his religious sermons. He is a person of jack of all trade, a master, a mentor, a philosopher, and a guide. But above all, it gives me immense pleasure to inform all of you that he is a BSSite. Yes, a BSS alumni. फ्राम नाइनटीन एटी एट बैच सुमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आई वेलकम यू टू बी एस एस रम थैंक यू वेरी मच आमिर आपने इतने सारे अल्फाज <laughs> मेरे बारे में कह दिए उनके मैं लायक नहीं समझता अपने आप को बट एट द सेम टाइम एवरी एवरी सिंगल वर्ड अप्रिसशन हम्बल्स में थैंक यू वेरी मच आपका बड़ापन है और आपका हम एक बार फिर स्वागत करते हैं uh, मैं आपसे एक सिर्फ ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आज आपको 35 साल से ज़्यादा हो गए और आपके पास तो तजुर्बे और एक्सपीरियंस का भंडार है आज के यूथ आज के जनरेशन और आज के स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत विचलित हैं कन्फ्यूज़ हैं सोशल मीडिया ने उनको बिल्कुल घेर रखा है और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है आज ये मौका है आप उनसे रूबरू होइए उनको बताइए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है देखिए क्या है ये मौजूदा दौर जो है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है जी। आ, हमारे हाथ में जो खिलौना है जो जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं उसमें हर सेकंड इतनी इन्फॉमेसन इन बच्चों के पास आती रहती है जी। जितना उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है वो चौबीस किलोबाइट्स पर सेकेंड वो प्रोसेस कर सकता है लेकिन इस समय उससे कहीं गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेटा के माध्यम से बच्चों के पास आता है जी, और वो उनको कहीं ना कहीं उलझा देता है मौजूदा जनरेशन बहुत अवेयर है टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है आ, सेंटिमेंटल क्वेश्चन सेंसिटिविटी क्वेश्चन तो उनका थोड़ा कम हो गया है जी और उसका मुख्य कारण यह है कि वो उस इन्फॉर्मेशन से इतने ज़्यादा लदे हुए हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या सही समझें और क्या गलत समझें सो मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ कि हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हम उनको ये समझाएं कि हाउ टू सेपरेट द वीट फ्राम द शैफ राइट जब ये बच्चे को समझ में आ जाएगा या वो ये अपने विवेक से और टीचर्स के माध्यम से जो उसको शिक्षा मिलेगी जो घर परिवार से शिक्षा मिलेगी कि उसको किस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है किसको यूज़ नहीं करना है और किसको इग्नोर कर देना है दे. जी तो मेरे ख्याल में उसके लिए जीवन की राह आसान हो जाएगी और बाकी मुझे लगता है कि हम हमारे और आपकी जनरेशन से ये जनरेशन बहुत बहुत ज़्यादा जहीन है जी। बहुत इंटेलेक्चुअल है उनके पास माध्यम है कि वो दुनिया को चुटकी बजाते ही एक्सप्लोर कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम हमको इस बात का एक लाइन खींचनी पड़ेगी और वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि उनको इस लाइन को लांघना नहीं है क्योंकि उनके पास समय की कमी हो जाती है और इसी कारण से उनका पूरा शेड्यूल ही हो जाता है

क्या डूज एंड डोंट्स आप उनको देना चाहेंगे जो हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आज वो कंफ्यूज होते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं ना कहीं उनको होती है और एक उथा उनके अंदर उफान और उथल पुथल होती है जहां कुछ देखते हैं वहां हो लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं आपने ख़ुद कहा कि पेशेंस की कमी है तो बच्चों को क्या बहुत ही ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है आज के इस कॉम्पिटिशन भरे दौर में देखिए मैनेजमेंट शब्द को यदि हम तोड़ें जी तो तीन शब्द निकल करके आते हैं मैनेज मैन एंड टी स्टैंड टैक्टफुली तो अगर हम मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं एक्सेल करना चाहते हैं तो वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज आर पीपल टैक्टफुली उसके लिए जब आप मैन यानी मैन और वेन उसमें दोनों समाहित होते हैं बड़ा मेटाफोरिकली uh, मैन को यूज किया गया है राइट। जब आपको इस लाइव अवेयर को हैंडल करना होता है तो आपका सेंसिटिविटी कोशेंट संवेदनशीलता आप में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इंसान और कुछ नहीं इमोशंस का एक पुलिंदा है उसके इमोशंस को जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने कॉरपोरेट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव के लिए चैनलाइज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को हैंडल करते हुए तो आई थिंक आप एक सक्सेसफुल मैनेजर साबित हो सकते हैं सो आई गेस के सेंसिटिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे मैनेजमेंट की पढ़ाई में जहाँ पे हम बच्चों का सेंजिटिविटी क्वेश्चन हम उनसे समाज के प्रति कुछ अप उनके दायित्व के निर्वहन के लिए उनको कुछ कोर्स कराएं उनको हम लोगों के प्रति किसी के दुख में दुखी होने की कला उनको जो उनके अंदर होती है बट वो सुसुप्त हो जाती है उसको जागृत कराएँ किसी के खुशी में खुश होना आजकल उल्टा होता है हम किसी किसी की खुशी देख करके हम दुखी हो जाते हैं और किसी के दुख में हम सुख प्राप्त करते हैं सो okay. so, यहाँ पे हमारे मॉरल्स जो हैं वो टंबल डाउन कर रहे हैं सो मॉरल साइंस को एक सब्जेक्ट बना करके ना पढ़ाया जाए बल्कि उसको एक इंक्लूसिव पार्ट ऑफ आर करिकुलम बना के उसको पढ़ाया जाए मैनेजमेंट की बुक्स को री करना होगा और उसमें जो आ, हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि टारगेट्स हासिल करने हैं इतना टर्न हासिल करना है वो एक चीज़ नहीं रहे ह्यूमन रिसोर्स भी साथ में डेवलप हो ये इस पर फोकस करना रहेगा जी थैंक यू वेरी मच सर आप एक बीएसएस के स्टूडेंट रहे हैं तकरीबन तकरीब चौंतीस पैंतीस साल के बाद आप आना हो रहा है बीएसएस में कुछ बीएसएस की सुनहरी यादें और बीएसएस जो जाना जाता है कुछ हमारे साथ शेयर करिए प्लीज़ जब हम छेद बड़ा छोटा सा था बी जो है वो बा... फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक बी कॉम का होता था जी एक बी 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 ए मैनेजमेंट जो हम लोग थे कि उस जमाने में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बी बी ए नहीं होता जी, था जी। और एक सोशल मैनेजमेंट में एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता था बड़ी मुश्किल से मिलता था और प्रीमियर कोर्स था जी तो मैंने हमें बी ए मैनेजमेंट में एडमिशन मिला था और हर एक सेक्शन में करीब साठ 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 बच्चे होते थे तो साठ इंटू थ्री इंटू थ्री करीब चार पाँच सौ बच्चों का कॉलेज होता था बड़ा Uh, हर कोई एक दूसरे को जानता था जी. और uh, टीचर्स का मैं ख़ास तौर पे याद करना चाहूँगा हमारे जो टीचर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फादर क्लीटस कोलासो जो कि हमारे प्रिंसिपल होते थे देन वी हैड अ वंडरफुल वंडरफुल मेंटर हु केम इन आर आर सेकेंड ईयर फादर स्टैनिसलस पॉल जो कि बाद में इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुए मनीला okay. से आए थे वो एंड ही वॉज अ मार्केटिंग विजार्ड

क्योंकि बीएसएस बहुत छोटा होता था और हर स्टूडेंट से उनका एक पर्सनल कनेक्ट बना रहता था तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीन साल हमने बी में गुज़ारे वो इसलिए बहुत बेहतरीन बन गए और उन्होंने हमें तराशने में बहुत काम किया क्योंकि हमारे पास वो वंडरफुल टीचर्स होते थे थर्ड ईयर में तो ये आलम था कि कई बार मैडम चावला की क्लासेस हम लोग बंक करते थे क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि इंग्लिश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है <laughs> और वहीं जो साइकिल स्टैंड था वहीं पर स्कूटरों पर बैठे रहते थे काका की दुकान होती थी यहाँ पर जो भजिए वड़े बनाता था वो आपकी कैंटीन तो बहुत फाइव स्टार कैंटीन है हमारा तो हलने वाली बेंचेस होती जी। थी जी। और वहीं पे वो टेबलें होती थी कहीं से जुगाड़ करके ले आए थे अच्छा, लेकिन हम लोग बैठते थे और मजाल है कि कोई टीचर हम पे नाराज़ हो जाए अगर हम लोग इस तरह से क्लासेस बंक भी करते थे और वो हमको स्माइल करते हुए निकल जाते थे हमको भी लगता था यार कि कहीं ना कहीं क्लास अटेंड करनी चाहिए और वाकई में क्लास अटेंड करने में बहुत मज़ा आता था और वंडरफुल वंडरफुल मेमोरीज ऑफ बीएसएस सर बीएसएस तो हमेशा से अपने क्लास के लिए जाना जाता है आज आप आए हमारे डॉक्टर फादर जॉन पी जे हमारे मैंटो प्रिंसिपल जी आज आपने देखा कॉलेज और ये ये जरूरी है बच्चों को भी मुझे लगता है इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए डेफिनेटली डेफिनेटली फादर जॉन हमसे एक साल सीनियर होते थे अच्छा ओके ही पास आउट इन 87 जी सर ओके वेरी गुड तो थैंक यू वेरी मच सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं बी एस एस रिदम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं आपने कहा कि मैं बी एस एस रिदम को जानता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल और ये बच्चे ही हमारे स्टूडेंट्स के ही करते हैं यहाँ पे जी तो ये अपने आप में एक अलग ही एक इनिशिएटिव है नहीं What बिल्कुल है like say, नहीं मैं बहुत इन चीज़ों का कायल रहता हूँ इन चीज़ों का क्योंकि जब हम रेड रोज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे वी व द फर्स्ट स्कूल इन भोपाल वे बैक इन अबाउट फिफ्टी ट्वेंटी ईयर्स एगो कि हमने अपना ख़ुद का एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रखा है जी हम भोपाल के पहले स्कूल हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक वीडियो मैगज़ीन उस जमाने में सीडीज़ का ज़माना था तो हमने सारे साल भर की एक्टिविटीज़ को सीडीज़ में करके बच्चे ही न्यूज़ एंकर होते थे बच्चे ही न्यूज़ रिपोर्टिंग करते थे वो करके किया तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को करिकुलम में अमेलगमेट करना उनको सेपरेट नहीं उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ मानना एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं मानना तो को करिकुलर मानना और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए बच्चों में वैल्यूज़ को अक्षुण्ण रखने का काम करना right. ये बी एस एस कर रहा है जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को हमेशा जारी रखना चाहिए थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन सर फाइनली मैसेज फॉर बी एस एस साइट्स एंड बी एस एस सिंपल बहुत दो सेंटेंसेस में कह दूंगा दोनों में तीन-तीन शब्द हैं वे टू गो एंड कीप इट अप थैंक यू वेरी मच सर ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू एट बीएसएस रिदम सेम हियर ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए एजुकेशन के फील्ड में और आप खूब अच्छा काम करें लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस टू यू थैंक यू वेरी मच आंबेस फैमिली Thank you very much, Mr. Sumit Ponda. Uh, this is Amir Mehboob signing off. And today I had the privilege to host and to talk. I will not say interview, to talk and to take valuable tips from Mr. Sumit Ponda, the chairman and the director of Red Group's Group of Institutions and xpssi Thank you very much, sir. Have a nice day. God bless you all. Good Thank night. you very much, and all the best. Keep rocking.